नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विनर्स गैलेक्सी चैनल में। इस चैनल में आपको सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो देखने मिलेंगे। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीमेंट कंक्रीट रोड कैसे निर्माण किया जाता है और इसमें कौन कौन से टाइप के टूल्स यूज किया जाता है। आप देख रहे हैं ये रोड का विड्थ 3 मीटर है और 150 mm इसकी थिकनेस है। हमने ये रोड बनाते वक्त ये रोड हमने 2 लेयर में बनाया है। फर्स्ट लेयर 75 mm का है और सेकंड लेयर भी 75 mm का है। यहाँ पे इस रोड के लिए हमने M25 ग्रेड का सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर यूज किया है। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारे सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण कार्य के बारे में विस्तार से बताया है, इसलिए वीडियो अंत तक आप जरूर देखिए। सीमेंट कंक्रीट से बनाए हुए सरफेस को हम सीमेंट कंक्रीट रोड कहते हैं और हम इसमें पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करते हैं कंक्रीट रोड करने के लिए। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट ये रिजिड पेमेंट होता है। इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहते हैं मगर इसको मेंटेनेंस कम लगता है। जैसे कि ये रोड हम 2 लेयर में बनाने वाले हैं। ये फर्स्ट लेयर है 75 mm का कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन सीमेंट कंक्रीट। हम इसमें देखने वाले सब ग्रेड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, प्लेसिंग द फॉर्म्स कैसे बनाया जाता है, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कॉम्पैक्शन, फ्लोटिंग, ब्रूमिंग, एजिंग, क्यूरिंग, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें अब सब ग्रेड प्रिपेयर करना चाहिए और रोड का विड्थ और सेंट्रल लाइन ये अच्छी तरह से मार्क करके लेना चाहिए और लूज मटेरियल डस्ट बेस्ट क्लीन करके लेना चाहिए। यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं आप फॉर्म वर्क वर्टिकली पिन बिठा रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट के लिए चैनल के, तो हम फॉर्म वर्क बनाने के लिए स्टील चैनल सेक्शन यूज़ करते हैं। ये स्टील चैनल सेक्शन की लंबाई हम 3 मीटर का ले रहे हैं और चैनल सेक्शन अच्छी तरह से चैनल सेक्शन को अच्छी तरह से सपोर्ट लगाना चाहिए, चैनल सेक्शन हिलना नहीं चाहिए, इसलिए हम थोड़े थोड़े अंतराल पर हम वर्टिकल पिन लगाते हैं और उसकी वजह से हम फॉर्मवर्क पोजीशन में रहता है। आप देख रहे हैं वीडियो में फॉर्मवर्क कितना पोजीशन में है। चैनल सेक्शन का विड्थ तो 75 to 100 mm तक रहता है। सब ग्रेड पे कंक्रीट लेइंग करने के पहले थोड़ा पानी हम स्प्रिंकल करके लेना चाहिए, सब ग्रेड थोड़ा भिगा के लेना चाहिए। ये फर्स्ट लेयर है कंक्रीट का, 75 mm थिकनेस है जिसकी M25 कंक्रीट यूज किया है और 3 मीटर विड्थ है इसके। हम यहाँ पे रेडी मिक्स कंक्रीट यूज कर रहे हैं। ये डायरेक्ट प्लांट से मिक्स होके आता है। ये M25 ग्रेड का कंक्रीट है। ये हम यहाँ पे फावड़े से हम स्क्रेडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं मैन्युअली, तो यूनिफॉर्मली सरफेस आने के लिए फर्स्ट हम एज के साइड को हम चैनल के पास कंक्रीट लगा लेते हैं। हमें स्क्रीडिंग करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि हमें जितना रोड का थिकनेस चाहिए वो उतना थिकनेस मिलना चाहिए। इसके लिए हम ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि हमें चाहिए वो थिकनेस मिल रहा है कि नहीं, वो देखते रहना चाहिए। हमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोड का थिकनेस चेक करते रहना चाहिए। अब हम फ्लोटिंग प्रोसीजर देखेंगे। यहाँ पे ये मिस्त्री अच्छी तरह से कंक्रीट लेयर को कॉम्पैक्ट और फिनिश कर रहा है और हम लकड़ी या धातु के फ्लोट्स का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे लकड़ी के फ्लोट से हम फ्लोटिंग कर रहे हैं। फ्लोटिंग की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होता है और इसका विड्थ 10 सेंटीमीटर होता है
फ्लोटिंग करते वक्त हम फ्लोटिंग कॉर्नर एज रोड के एज से क्राउन तक बोल तो सेंटर लाइन तक करते जाना चाहिए। फ्लोटिंग करते वक्त सुनिश्चित करें कि लेवल से फिनिश हो रहा है। कंक्रीट सरफेस कहीं पे भी चढ़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो कहीं पे गड्ढा पड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए, एक समान सतह होना चाहिए। कंक्रीट सरफेस सब यूनिफॉर्म भी दिख रहा है और अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट भी हुआ है। साइड का जो एज का एक्स्ट्रा एक्सेसिव कंक्रीट रहा वो निकाल के लेना चाहिए और हमें सरफेस यूनिफॉर्म दिख रहा है। यहाँ पे रोड सरफेस का फिनिशिंग एक लेवल पे दिख रहा है। हमने ये सरफेस लेवल मैन्युअली हैंड फ्लोटिंग से किया है। हम आगे वीडियो में पावर फ्लोटिंग और स्ट्रेट एज फ्लोटिंग भी देखने वाले हैं। हम जब फ्लोटिंग करते हैं उस वक्त हम तो हर जगह रोड का थिकनेस चेक करते रहना चाहिए और जब फ्लोटिंग करने वक्त हमें देखना चाहिए कि सरफेस प्रॉपरली लेवल हो रहा है कि नहीं, नहीं तो ऐसे हो जाता है कि कुछ जगह पे ज़्यादा ही माल चढ़ जाता है, कुछ जगह गड्ढा पड़ता है, इसलिए हमें प्रॉपरली लेवल करना चाहिए। गड्ढा दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे थोड़ा कंक्रीट एक्स्ट्रा कंक्रीट डालेंगे। जो कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं उसका वर्केबिलिटी टेस्ट करना चाहिए या स्लम टेस्ट करके लेना चाहिए। और ये देख रहे हम इफ हैंड फ्लोटिंग से अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट और लेवलिंग कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एज से सेंटर की तरफ से फ्लोटिंग किया जा रहा है और जो फ्लोटिंग करने वाले लोग हैं उन्हें हम फिनिशर मिस्त्री बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंक्रीट ले करने के बाद पहले हम कंक्रीट को रोड के एज से पहला हम लगा के लेते हैं कंक्रीट, फिर उसके बाद लेवल कर लेते हैं। मेन चैनल से जब कंक्रीट डिस्चार्ज करते हैं हम एक एज से दूसरे एज रोड के फॉर्मवर्क से लेइंग करते हैं और मिक्स कंक्रीट अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना चाहिए, नहीं तो एक ही जगह पे पूरा कंक्रीट ले हो जाएगा, तब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो यूनिफॉर्म करने के लिए। रेडीमिक्स कंक्रीट का ट्रक है
ये ऊपर दिख रहा है पिक्चर के ऊपर। ये डिस्चार्ज चैनल है, ये मैन्युअली कंटिन्यूअली मूव करना चाहिए, नहीं तो एक ही जगह पे कंक्रीट डिस्चार्ज हो जाएगा। ये मिक्सर टैंक है, ये कंटिन्यू रोटेट करता रहता है। मिक्सर टैंक कंटिन्यूअली रोटेट होने की वजह से कंक्रीट सेट नहीं होता है, और हमें चाहिए वो मिक्स प्रॉपरली वर्केबल रहता है। ये ऊपर है जहाँ से कंक्रीट डिस्चार्ज होता है, ये चैनल है, और उसके नीचे चैनल को लिफ्ट करने के लिए ये ऊपर है। अब इसमें का कंक्रीट ख़त्म हो गया है, इसलिए वो उसमें पानी छोड़ के वो क्लीन करके लेते हैं। आपको दिख रहा है वहाँ पे ऊपर ऊपर के ऊपर थोड़ा पानी। आरएमसी ट्रक की कैपेसिटी 3.5 क्यूबिक मीटर से 8 क्यूबिक मीटर तक होती है। ये आरएमसी ट्रक का डिस्चार्ज ऊपर है, उसके ऊपर जो है वो फीडिंग ऊपर है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर ब्रूमिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये ब्रूमिंग ब्रश है, ये वायर ब्रश रहता है, इसको एक बड़े बम्बू से अटैच किया हुआ रहता है। हम ये ब्रूमिंग ब्रश के सहायता से रोड को ब्रूमिंग करते हैं। हम ब्रूमिंग इसलिए करते हैं क्योंकि कंक्रीट रोड जब फिनिशिंग करता है वो स्लिपरी हो जाता है, जो गाड़ियाँ स्लिप नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ब्रूमिंग करते हैं। मगर हम ये रोड पे हम जो यहाँ पे ब्रूमिंग देख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर हमारा सेकंड लेयर आने वाला है। ये 75 mm का फर्स्ट लेयर है, इसके ऊपर ही सेकंड लेयर आने वाला है 75 mm का। हम ब्रूमिंग करते वक्त क्राउन से एंड तक करते जाते हैं। कंक्रीट सेट होने के पहले हमें ब्रूमिंग करके लेना चाहिए, अगर एक बार कंक्रीट हार्ड हो गया तो हम ब्रूमिंग कर नहीं सकते, इसलिए वो सेट होने के पहले ही ब्रूमिंग करके लेना चाहिए। ब्रूमिंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ब्रूमिंग हल्के हाथ से करना चाहिए। अगर बहुत गहराई से ब्रूमिंग करने लगे तो कंक्रीट में का एग्रीगेट लूज होने की संभावना रहती है, तो हमें हल्के हाथ से ब्रूमिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम रोड के सेंटर टू सेंटर से एज तक ब्रूमिंग किया जा रहा है एक साइड से, उसके बाद हम अदर साइड को आ जाएंगे, वहाँ पे भी ऐसे ही हम सेंटर से रोड के तक ब्रूमिंग करेंगे। तो इस तरह से हम ब्रूमिंग प्रोसीजर इंप्लीमेंट करते हैं। और ब्रूमिंग ब्रश चलाते वक्त वो राइट एंगल में चाहिए अलाइनमेंट के। यहाँ पे हम अब देख रहे हैं कि सेकंड लेयर का कंक्रीट चल रहा है, तो
तो हमने फर्स्ट लेयर 75 mm का कंक्रीट किया था और उसे हम क्यूरिंग के लिए एक दो दिन छोड़ के सेट होने के बाद हमने सेकंड लेयर का कंक्रीट कर रहे हैं। तो टोटल हमारा रोड का थिकनेस 150 mm है। तो हमने फर्स्ट स्टार्ट को क्या स्टार्टिंग को 75 mm का लेयर किया, उसके बाद ये सेकंड लेयर का 75 mm का कंक्रीट हम कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं अब ये फाइनल सरफेस है रोड का, ये अच्छी तरह से फ्लोटिंग किया गया है। ये एज को पहले हम कंक्रीट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली फैला देते हैं कंक्रीट को। आपको यहाँ पे फॉर्म वर्क भी अच्छी तरह से दिख रहा रहेगा। तो फॉर्म वर्क को वर्टिकल पिन से हमने सपोर्ट दिया है। अब हम कंक्रीट स्ट्रेट एज के बारे में देखेंगे। स्ट्रेट एज का यूज करके हम सरफेस यूनिफॉर्म है कि नहीं ये देखते हैं। हम फ्लोटिंग करने के बाद स्ट्रेट एज का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर एल्यूमिनियम स्ट्रेट एज यूज करते हैं। ये एल्यूमिनियम स्ट्रेट एज का 3 मीटर से लेके 5 मीटर तक होता है। हम एल्यूमिनियम स्ट्रेट एज का यूज करके फाइनल सरफेस फिनिशिंग करते हैं और लेवल करते हैं, रोलिंग करते हैं। इस तरह से हम एक्सेसिव कंक्रीट निकाल लेते हैं फावड़े से और उसके बाद स्ट्रेट एज से फिनिशिंग करते रहते हैं यूनिफॉर्मली। जो ये ग्रेडिंग प्रोसीजर करने वाला व्यक्ति रहता है उसे हम फिनिशर कहते हैं और वो एक्सेसिव कंक्रीट निकाल देता है और पेमेंट सरफेस प्रॉपर ग्रेड और स्मूथली सरफेस लाने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक्सेसिव कंक्रीट निकाला जा रहा है। यहाँ पे आप फॉर्मर के चैनल देख रहे हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू दो मिस्त्री फिनिशिंग कर रहे हैं प्रॉपरली। तो इस तरह से वो फिनिशिंग कर रहे हैं कि हाँ वो कंक्रीट टॉप अच्छी तरह कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए और लेवल भी होना चाहिए। और हम जो यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम स्ट्रेट एज उसका लेंथ तो 3 to 5 मीटर रहता है। हम यूज कर रहे हैं वो 5 मीटर का लेंथ वाला एल्यूमिनियम स्ट्रेट एज है और इसका विड्थ 50 to 100 mm का रहता है। हम यूज कर रहे उसका विड्थ तो 4 इंच यानी 100 mm है। हमने फर्स्ट लेयर 2-3 दिन पहले ही ले किया था वो, उसके बाद हम ये सेकंड लेयर का कंक्रीट कर रहे हैं। टोटल हमारा रोड विड्थ 3 मीटर है और थिकनेस रोड का 150 mm है और हम ये 2 लेयर में कर रहे हैं और स्ट्रेट एजिंग से फिनिशिंग जल्दी से फास्टली होता है।
यहाँ पे हम एक्सपेंशन जॉइंट दे रहे हैं, हम एक्सपेंशन फिलर के लिए ये प्लाईवुड यूज कर रहे हैं, और ये प्लाईवुड का थिकनेस 20-25 mm है। एक्सपेंशन जॉइंट का गैप 20-25 mm तक रहता है, और ये एक्सपेंशन जॉइंट का गैप फिल करने के लिए हम यहाँ पे प्लाईवुड यूज कर रहे हैं। कई जगह पर हाँ बिटुमिनस भी हम यूज़ करते हैं एक्सपेंशन गैप फिल करने के लिए। ये हर 4 meter पर हम एक्सपेंशन जॉइंट दे रहे हैं। कब एक्सपेंशन जॉइंट क्यों देते हैं हम, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब स्लैब होता है वो थोड़ा एक्सपांड होता है, इसलिए हम एक्सपेंशन जॉइंट होता है। एक्सपेंशन जॉइंट देने की वजह से स्लैब में क्रैक कम आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपेंशन जॉइंट हर 4 meter पर हमने दिया है इस तरह से। एक्सपेंशन जॉइंट अगर नहीं देंगे तो रोड क्रैक्स हमें दिखेंगे जब हेवी व्हीकल उस पर से मूव करेंगे, इसलिए हम एक्सपेंशन जॉइंट देना चाहिए। कम से कम 20-25 mm का एक्सपेंशन गैप रहना चाहिए। स्ट्रेट एजिंग के बाद हम जहाँ पे थोड़ा पर स्पॉट रहता है, जहाँ पे अच्छी तरह से लेवल नहीं होता है, वहाँ पे हम हैंड फ्लोटिंग से लेवल करते हैं। ये टचअप किया जाता है जहाँ जहाँ पे थोड़ा पर फिनिशिंग नहीं होता है, वो फिनिशिंग हम हैंड फ्लोटिंग से किया करते हैं। अब और दूसरी बात, हम हर 4 meter पर एक एक्सपेंशन जॉइंट दे रहे हैं, तो एक्सपेंशन गैप हम प्लाईवुड से फिल कर रहे हैं। ये जो प्लाईवुड हम फिल कर रहे हैं एक्सपेंशन गैप में, वो पूरा रोड डेप्थ तक जाना चाहिए और रोड के लेवल को मैच होना चाहिए, इस तरह हम वो एक्सपेंशन जॉइंट फिल कर रहे हैं। ये सेकंड लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर 75 mm का, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर कंक्रीट का, इसको हम फिनिशिंग करने लगे पावर ट्रॉल से। ये फर्स्ट लेयर है, हमने 2-3 days पहले फर्स्ट लेयर 75 mm का ले किया था। हम इस लेयर पर ब्रूमिंग किया है, ब्रूमिंग इसलिए किया है कि फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर और ले होता है। ये फर्स्ट लेयर है ब्रूमिंग किया हुआ, इसके ऊपर सेकंड लेयर आएगा 75 mm का। टोटल हमारा डेप्थ कंक्रीट का 150 mm है, और ये सेकंड लेयर का फिनिशिंग। हम रोड फिनिशिंग के लिए पावर ट्रॉल टूल्स का यूज करने वाले हैं, आगे वीडियो में आपको दिखाई देगा
पावर ट्रैवल मशीन कैसे काम करता है। ये रोड का विड्थ 3 मीटर है, आपको दिखाई देगा इसका विड्थ 3 मीटर का, और ये टोटल रोड डेप्थ 150 mm है। कंक्रीट का पूरा डेप्थ 150 mm है जो 2 लेयर में बनाया है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि फॉर्म वर्क को हमने वर्टिकल पिन से सपोर्ट किया है। यहाँ पे 2 पिन दिख रहे वर्टिकल पिन जो फॉर्म वर्क चैनल को सपोर्ट किया है। यहाँ पे ये ट्रॉवेल मशीन है, इसे हम पावर फ्लोटिंग भी कहते हैं। ये स्मूथ फिनिशिंग के लिए हम यूज करते हैं। पावर फ्लोटिंग से फिनिशिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने वीडियो में देखा है कि वुडन फ्लोटिंग से जो फिनिशिंग आती है या एल्यूमिनियम स्टेनलेस से जो फिनिशिंग आती है वो इतना स्मूथली नहीं आता है जितना पावर फ्लोटिंग से फिनिशिंग आता है। ये पावर फ्लोटिंग मशीन को एक लार्ज डिस्क रहता है जो डिस्क उसके मशीन के ब्लेड से अटैच होता है, और एक कंटिन्यू मूव होने से इसमें एक्सेसिव जो वाटर रहता है कंक्रीट में वो निकल जाता है। ट्रॉवेल मशीन का जो डिस्क रहता है उसका डायमीटर 400 से लेके 1200 mm तक रहता है। हम जो यूज़ कर रहे हैं पावर ट्रॉवेल, उस डिस्क का साइज 400 mm है। यहाँ पे आप रोड टॉप देखो, फिनिशिंग स्मूथली आ रही है। जो कंक्रीट का सरफेस है वो स्मूथली अब फिनिश हो रहा है ट्रॉवेल मशीन से, आप देख सकते हो। ये जो रोड का एज दिख रहा है हम उसे एजिंग टूल से राउंडली फिनिश करेंगे। रोड का एजिंग मशीन का यूज़ करके उसको राउंडली फिनिश करना चाहिए।